कम ऑन मैन, सो जस्ट ये करण सर का मुझे बिहेवियर समझ में नहीं आया, कहते मुझे पता नहीं था तुम्हारे साथ होस्ट कर रहा हूं, 2 महीने से प्रोमो चल रहे हैं कि आपको अभी इतनी एक्टिंग करने की जरूरत है, पर कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि हो सकता है बड़े आदमी प्रोमो शूट करके भूल गए हो। एनीवेज लिव इट, मैं जब फिल्म फेयर देखता था घर पे बैठ के तो मुझे ये लगता था कि यहाँ का माहौल जो होता है बड़ा कूल होता है, सब एक्टर्स बड़ा कूल तरीके से बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला कि हर आदमी अपनी अलग ही टेंशन में बैठा हुआ है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं हमारी अभिनेत्रियों की, इनको अवार्ड मिलने से ज्यादा टेंशन इस बात की होती कि मैंने पहन के क्या जाना है। ये जितना डिजाइनर्स का दिमाग खाती हैं, लिसन द लास्ट टाइम प्रियंका वाज बेटर, इस समय मेरी होनी चाहिए, मैम ये चलेगी, नहीं नहीं ये तो 2 साल पहले दीपिका ने पहनी थी, समथिंग एल्स, अब मेरी फिगर सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, यहां पे साइड पे थोड़ा काला कपड़ा डाल देना, मेरी टमी कम नजर आएगी, ओके। इतना कंफ्यूज करती हैं ड्रेस डिजाइनर्स को कि एन मौके तक इनकी ड्रेस नहीं बन पाती, कोई ना कोई पार्ट रह जाता है, वो फिर जैसी बनी होती वैसी भेज देते हैं, कईयों की स्लीव नहीं होती, कईयों की बैक नहीं होती, फिर वैसी पहन के आ जाती, हमें लगता है फैशन है। एक बार मैंने खुद देखा, एक रेड कार्पेट पे हीरोइन चल के आ रही थी, उनकी ड्रेस के पीछे हैंगर लटका हुआ था, और डिजाइनर बोला बेबी इट्स नॉट अ हैंगर, इट्स अ जिप्स हुक, आई जस्ट इन्वेंटेड। टेबू जी आप हंसती हुई बड़ा अच्छा लगती है, लेकिन हंसी अंदर मत रखा करें, इसको बाहर आने दीजिए, दिल के गुबार को। फिल्म में जैसी मर्जी करें, हैदर में चाहे जैसे मर्जी रोल करें, अवार्ड फंक्शन में आती लग रही है कहीं से भी शाहिद की मम्मी, टेबू जी को देखो। अगर ऐसी आप उस फिल्म में बनती ना तो शाहिद और केके मैन लड़ मर जाते। खैर ये बातें चलती रहेंगी, मेरे को होस्ट कहाँ चल, अरे आई ऐसे थोड़ा मजाक मस्ती चल रही थी। इवन यू आर वेयरिंग वेरी नाइस सूट, या कांग्रेचुलेशंस, बट आई हैव एग्रीड टू होस्ट द शो विद यू नाउ कपिल। अच्छा हाँ, तो अभी तो आप गुस्से में गए थे, अभी कैसे? अरे जब पेमेंट डबल हो जाए ना तो सीआईडी शो का एसी भी प्रद्युमन भी बन सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है मेरी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। एसी प्रद्युमन भी बन सकते हैं आप? हाँ, दरवाजा तोड़वाएंगे, दरवाजा तोड़ो दया, मुझे लगता है कुछ हैपनिंग है। सर वो बाहर का दरवाजा तोड़वाते हैं, आप अंदर वाला तोड़वा रहे हो। मेरा अंदर का दरवाजा कब का टूट चुका है कपिल। Let's now begin. Let's not talk about all these things. Let's okay. go on with the proceedings. Hello everyone and very good day to you. Good day नहीं, it's night time. Good day की बात क्यों कर रहे हो? सर आप बड़े लोग हैं, आप फिल्मों से पैसा कमा लेंगे, ये स्पॉन्सर लोग हैं, मैंने कुछ नहीं ना बोला तो ये पैसे मेरे यही काटेंगे, ब्रिटानिया 50-50 वाले। तो good day का प्रोडक्ट है। Good day to you. Very good day. सर मुझे एक बात पूछनी है, ये जो ब्लैक कपड़ों में लड़की आती है ये इनके रिलेशन में है? फिल्म फेयर वाली जो लेडी है वो ब्लैक लेडी का जो ऐसे करके खड़ी रहती है वो उनके रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, उसके भी हर्निया में प्रॉब्लम हो जाएगी किस दिन? क्यों? काफी सालों से ऐसे खड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करण सर, बॉम्बे वेलवेट में आप विलन बने हो जी, मैं ऐसा सोचता हूं कभी कभी कि अगर फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल करण सर ने किया होता तो कैसे करते, कितना मजा आता सर। कपिल वैसे विलेन पहले के जमाने में होते थे, मैं बहुत ही कूल और स्टाइलिश विलेन बना। नहीं फिर भी एक बार आप बोलेंगे तो मजा आएगा सर, देखने को मिलेगा ऑडियंस को कि एक अलग फ्लेवर कैसे आएगा। मैं काम करता हूँ, मैं डायलॉग बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिए, ओके। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी खाली हाथ आ गए, क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, इतना सा डायलॉग सर। मुझे तो शोले का एक ही डायलॉग अच्छा लगता है। कौन सा? कितने आदमी थे? अगला अवार्ड है ऐसे डायलॉग्स के लिए। करण सर मुझे पता नहीं कभी कभी क्यों लगता है आपके अंदर ना कोई बहुत शरारती लड़की छुपी हुई है। आगे बढ़ो। यू कैरी ऑन ब्रो, आई एम हियर। वुड यू लाइक टू ईट सम बिस्किट्स? तुम वहां क्या कर रहे हो कपिल? दो लड़कियों के बीच एक खूबसूरत नौजवान लड़का क्या करता था? आई एम एंजॉयिंग द ब्रिटानिया हेवन बिस्किट, मेरे हाथ में है, एंजॉय कर रहा हूं। तुम होस्ट हो कपिल, तुम्हें यहां होना चाहिए। नहीं नहीं सर, मैं लड़का भी हूं, मुझे यहां भी होना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो जितना ज्यादा वक्त यहां गुजारता है उनको ज्यादा पेमेंट मिलने वाला है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, वुड यू लाइक टू सम बिस्किट्स? ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया करण सर? व्हाट आर यू डूइंग मैन? या व्हाट आर यू डूइंग? मेरे को पहले बता दे तो मैं तो कम बैक ब्रो, दिस इज वेयर मैन बी। मेरा घूम फिर के ध्यान ना दीपिका की तरफ जाता है। मेरे को माफ कर देना भगवान, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं चेक कर लूं सर? बिल्कुल जाके चेक कर लो। ओके, मैं अपने मन से डायलॉग बोलूं कोई? हाँ बिल्कुल, आप जाइए, आपको ये समझ आ रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। ओके
सिचुएशन आपने देनी लेकिन हाँ हीरो हीरोइन वाली सिचुएशन है, रोमांटिक सिचुएशन है, रोमांटिक। दीपिका को शाहिद की आंखों में आंखें डाल के कुछ कहना है। दीपिका मेरी आंखों में नहीं बोल सकती, मेरे को कंजक्टिवाइटिस हुआ है सर। दीपिका आपको एक डायलॉग बोलना है, मूड करण सर बताएंगे, जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी। मूड ये है कि आप आईसीयू में है और मरने वाली है और ये आपके लास्ट वर्ड है। सर मैं मेथड एक्टर, आई हैव नेवर बीन टू द आईसीयू। अच्छा सेक्सी कर दूं, सेक्सीली बोल दो, वो सबको आ जाता है इमीडिएटली। जब तक वो ऐसे सेक्सीली बोल दो, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। हाँ सेडक्टिव मूड में। अरे यार मुझे इमेजिन करके शर्म आ गई। जब तक मेरे पैर चलेंगे बोलो ना। अरे जब आपके पैर जो हैं जो चलेंगे तो कोई क्या देखेगा, आपको क्या सुनेगा, they'll die looking at your beautiful legs only। हाँ चलो, ये वैसे कोई सेगमेंट था ही नहीं हमारी स्क्रिप्ट में, जस्ट वांटेड टू टॉक टू दीपिका। ओके जोरदार तालियां दीपिका के लिए। टबू को बोलना है ये डायलॉग, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो दूजा लखन। बड़ा अवार्ड जीतने आ रही हो, करके दिखाओ। मेरे दो अनमोल रतन, ओह एक है राम तो एक लखन। सिद्धार्थ को आंखों में आंखें डाल के श्रद्धा की डायलॉग बोलना है। एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मूड सर अलग होना चाहिए, रोमांटिक नहीं। शुड नॉट बी रोमांटिक, एकदम कमीना स्टाइल। एक जो हमारे विलन है जो रंजीत जी, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। वाह सुपर, थैंक यू सुपर। वापस आ जाओ मेरा एक ही अनमोल रतन।